हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बियर्डो की तरफ से दो स्टैंड आउट परफ्यूम्स विच आर वेरी इकोनॉमिकल बट फील्स वेरी प्रीमियम। बियर्डो वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 और तब से ही ये ब्रांड अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश कर चुका है, स्पेशली इन द मेन ग्रूमिंग सेक्शन। दिस ब्रांड इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इस ब्रांड की तरफ से दो बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स। सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे बियर्डो की तरफ से गॉडफादर। इस परफ्यूम की बॉटल बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगती है और इस परफ्यूम का एटमाइजर बहुत ही बेसिक सा है और अब देखते हैं कि इस एटमाइजर की रीच कैसी है। सो, इसकी रीच बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। बात करें अगर इस परफ्यूम के बारे में तो बियर्डो का गॉडफादर परफ्यूम मस्क एंड फ्रेश सेंट फैमिली से आता है जिसका मूड है बोल्ड एंड पावरफुल। सो, ये परफ्यूम आपको एक बहुत ही बोल्ड और एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें कई सारे हमें नोट्स मिलते हैं जैसे वेटिवर, लेमन, मिंट, मस्क एंड जर्मेनियम का। अब बात करते हैं इस सेंट की फ्रेग्रेंस के बारे में। एट फर्स्ट ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग स्मेल करता है, लेमनी एंड मिंटी, क्योंकि इसका नोट साइट्रिक है। थोड़ा स्पाइसी नोट भी आता है इसमें बिकॉज इसमें वाइट मस्क एंड वेटिवर का नोट है। इसके बेस में हमें स्पाइसी नोट मिलता है जो कि वेटिवर एंड वाइट मस्क का है। इसके मिड में हमें एरोमेटिक नोट्स मिलते हैं। टॉप में हमें साइट्रस नोट मिलता है जो कि डेफिनेटली लेमन का है। ये परफ्यूम स्ट्रांग है और ये आपकी सराउंडिंग को डेफिनेटली डोमिनेट करने वाला परफ्यूम है। मैंने इस परफ्यूम को कई दिन यूज़ किया है एंड मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि ये परफ्यूम काफ़ी देर तक लास्ट करता है। टाइम के साथ इसकी स्मेल की स्ट्रेंथ डाइल्यूट होती जाती है और ये थोड़ा सा माइल्ड होता जाता है और थोड़ा स्वीट स्मेल करने लगता है। सो, ये परफ्यूम यूजुअली हम पार्टी में या फिर हम किसी से जब भी मिलने जाते हैं, डेट्स पे जाते हैं, कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में, तो हम इस परफ्यूम को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी फील देता है, एक बहुत ही अच्छा आपको अरोमा देता है, एक सिग्नेचर स्मेल देता है जो कि आपको दूसरों से स्टैंड आउट करने में हेल्प करती है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट को देखते हैं जो कि है बियर्डो का विस्की स्मोक बर्बन। गॉडफादर की तरह ये भी एक बहुत ही स्टाइलिश क्लास बॉटल में आता है और बात करें इसके एटमाइजर की तो इसका एटमाइजर प्लास्टिक का है कंपेयर टू गॉडफादर जिसका एटमाइजर स्टील का था और एल्युमिनियम। अब देखते हैं कि इसके एटमाइजर की रेंज कैसी है। हाँ, सो इसके एटमाइजर की रेंज गॉडफादर के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। ये ज्यादा पावरफुल बबल बर्स्ट करता है, थोड़ा हार्ड है प्रेस करने में, इतना स्मूथ नहीं है, बट इट्स गुड। बात करें इस परफ्यूम के फ्रेग्रेंस के बारे में तो हमें बहुत ही एक पाउडरी स्मेल मिलती है, वुडी स्पाइसी स्मेल मिलती है। ये काफी पाउडरी स्मेल है और इसके नोट्स में हमें विस्की, बहुत ज्यादा विस्की नोट नहीं मिलता है। जैसे कि ये प्रोडक्ट
अब इसका नाम है विस्की स्मोक, बट ये उतना ज्यादा एल्कोहलिक या विस्की स्मेल नहीं करता है कि जैसे कि आप इसको लगा लें और किसी को लगे कि आप ड्रिंक करके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाउडरी ज्यादा स्मेल कर रहा है, जिसमें थोड़ा सा टोबैको का स्मेल है, थोड़ा वुडी स्पाइसी सिनेमन दालचीनी का इसमें थोड़ा स्मेल है, वनीला का स्मेल है, और ये स्वीट स्मेल है कंपेयर टू गॉडफादर जो कि एक साइट्रिक स्मेल थी। यस, इस प्रोडक्ट को भी मैंने कई दिन इस्तेमाल किया है और ये वक्त के साथ डाइल्यूट होता है और ज्यादा अच्छा एक फ्रेग्रेंस देता है कंपेयर टू गॉडफादर। ये ज्यादा स्वीट स्मेल करता है, लोग इसे समझते हैं कि ये एक पार्टी परफ्यूम है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड परफ्यूम है। इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा डिसेंट है कंपेयर टू गॉडफादर, जिसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा तो नहीं, बट कंपेयर टू विस्की स्मोक गॉडफादर की स्मेल स्ट्रांग है, साइट्रिक स्मेल है और स्ट्रांग है। विस्की स्मोक की स्मेल पाउडरी है, स्वीट है, थोड़ा वेनिला का इसमें अच्छा खासा नोट मिलता है और टोबैको का। ये विस्की स्मोक ये वुडी और स्पाइसी सेंट फैमिली से आता है और इसका बेस नोट लेदर सैंडलवुड का मिलता है। इसके मिडल के नोट में आपको वनीला दालचीनी दैट इज सिनेमन और कोरिएंडर का मिडल नोट मिलता है। कंपेयर टू गॉडफादर इसमें रिफ्रेशमेंट के लिए कोरिएंडर सिनेमन का यूज किया गया है जो कि कंपेयर टू मिंट लाइट फ्रेग्रेंसेस है। गॉडफादर में मिंट फ्रेग्रेंस का यूज किया गया एज अ रिफ्रेशर, सो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा एक लाइट या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा एक डाइल्यूट परफ्यूम है। इसके टॉप नोट्स में हमें टोबैको और विस्की का नोट मिलता है। दोनों ही परफ्यूम स्टैंड आउट करते हैं, दोनों ही परफ्यूम बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं और आपको कुछ ही बक्स में एक प्रीमियम परफ्यूम मिल जाता है। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई हैव एक्सपीरियंस कि विस्की स्मोक डज नॉट लास्ट मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू गॉडफादर। गॉडफादर लास्ट मच लॉन्ग बिकॉज इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमें ये मिलता है कि इट प्रोवाइड्स यू अ वेरी बोल्ड एंड पावरफुल स्मेल। ऑन द अदर हैंड विस्की स्मोक के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमें ये मिलता है दैट इट प्रोवाइड्स अ रिच एंड सोफिस्टिकेटेड स्मेल, और ये वक्त के साथ माइल्ड और रिच होता जाता है। इसे हम ऑफिस में भी लगा के जा सकते हैं बिकॉज आफ्टर सम टाइम्स इसकी सारी जो स्पाइसी स्मेल है वो फेड हो जाती है और एक स्वीट स्मेल रह जाती है। और मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये फील किया है कि इसमें स्वीट कैंडी लाइक एप्पल कैंडी या फिर ब्लैक करंट कैंडी या फिर आप एप्पल हुक्का स्मोक अगर आपने कभी स्मेल किया है तो कुछ वैसी फ्लेवर इसकी कुछ वैसा स्मेल इसका मिलता है हमें। दोनों ही परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा फील कराते हैं और एक अच्छा अरोमा आपको देते हैं। मुझे ये दोनों परफ्यूम कॉम्बो में मिले थे अराउंड 550 समथिंग का, और अगर ये आपको परफ्यूम इससे थोड़ा ज़्यादा में भी मिलता है सो आप इसके लिए जा सकते हैं बिकॉज ये बहुत अच्छा परफ्यूम है एज़ कम्पेयर टू अदर परफ्यूम्स अंडर दिस कैटेगरी। Beardo has revolutionized men grooming segment in India, and hardly there is somebody who do not know this brand name. और अगर आपने इस ब्रांड का नाम नहीं सुना है सो आप जरूर सुन लें, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई this is a game changer. Gone are the days जब हम लड़के डियो लगा के निकल जाते थे, and I'm talking about myself also because I was not into these perfumes and deodorants so much. But now I know the importance of these perfumes or any other perfumes, not just these perfumes, deodorants, each has a role to play. So if you want to stand out, if you want to be the macho man, the masculine man or the alpha male, go for these things. These products have a masculine smell and that is all you need, my brother. So aage aise hi bahut sare product reviews ke liye is channel ko like aur subscribe kar lein और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और मैं बियर्डो के बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अपना रिव्यू लेके आने वाला हूँ जो कि जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।